दोनों के अंदर पावर उतनी ही लग रही है गाइस। देखो दोनों गार्ड पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को खींचने के लिए, उतनी में यहाँ पे खतरनाक सा कांड हो चुका है। जेल भी जीता एक्सट्रीम। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरे पास ऑलरेडी दो जेल भी चीता आरसी कार है, तो जेल भी चीता का एक नया मॉडल भी आ चुका था यार मार्केट में। मैंने इसको कल ही खरीदा है 40,000 रुपीस में। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आज इसकी मैं फाइट कराऊंगा पुरानी वाली जेल भी चीता के साथ और E9.5 आरसी कार के साथ। देखते हैं गाइस ये जेल भी चीता कितनी ज्यादा पावरफुल है। चलो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। ये दोनों ही जेल भी चीता को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। इसका मॉडल नंबर है JLB 21101, इसका मॉडल नंबर है JLB 120A। एक्सट्रीम मॉडल है गाइस ये 2022 वाला मॉडल है, ये लेटेस्ट 2023 वाला मॉडल है। JLB रेसिंग बोल के ऊपर की तरफ दिया गया है। यहाँ पे इसके क्या क्या मेन फीचर्स है आप देख सकते हो। ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं, LED लाइट्स वगैरह भी इसके अंदर दी गई है और बहुत ज्यादा कमाल की चीजें इसके साथ देखने को मिल जाती है। और ये कार भी कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। यहाँ पे वाटर प्रूफ ब्रशलेस 80 एम्प का स्पीड कंट्रोलर भी दिया गया है। मेटल के गियर्स भी ये कार के अंदर दिए गए। गाइस आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। आप लोगों को पता होगा जेल भी चीता की जितनी भी कार्स होती है उनकी पैकिंग काफी ज्यादा तगड़ी होती है। तो अभी यहाँ पे क्या क्या इसके साथ मिले है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस, बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं कौन सी जेल भी चीता जीती है। ये इसका डम्बो आरसी का रिमोट है। पुरानी वाली जेल भी चीता के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह का रिमोट मिला है, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड लग रही है। ऊपर की तरफ बहुत सारे स्विचेस है, बहुत सारे नॉब्स है कार को कंट्रोल करने के लिए। ये JLB चीता मल्टी कलर में देखने को मिल रही है गाइस, दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। इसके साथ ये यूजर गाइड मिलती है, वारंटी कार्ड मिलती है। JLB चीता के अंदर मैं ये वाली बैटरी यूज करने वाला, तो अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ JLB चीता को। व्हील्स के ऊपर इस तरह की पन्नी लगी हुई है। ओ माय गॉड, इसके व्हील्स देखो यार, क्या ही खतरनाक वाली ग्रिप दी गई है भाई साहब। मेटल के जैसा मेरे को लग रहा था पर ये एक्चुअल में प्लास्टिक ही दिया गया है। इसके नट्स देखो यार कितने ज्यादा भारी भरकम वाले दिए गए। व्हील्स कम्प्लीटली ऑल टेरेन इसके अंदर दिए गए। आप चाहे तो इसको रोड पे भी चला सकते हो या फिर ऑफ रोड में भी चला सकते हो। पहले इन पन्नियों को हटा लेते हैं, उसके बाद में इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चीता दिया गया है, यहाँ पे चीता दौड़ता हुआ दिखा रहा है। ये जो कार है चीता से इंस्पायर मेरे को लग रही है। सामने की तरफ एंटी कोल्यूशन बंपर है पर ये बंपर ज्यादा मजबूत मेरे को लग नहीं रहा यार। आपको पता होगा पुरानी वाली जेल भी चीता के अंदर कितना ज्यादा मजबूत बम्पर दिया गया है। यहाँ पर सिंगल व्हीली बार देखने को मिल रहा है, मेटल का फ्रेम देखने को मिल जाता है, मेटल की चैसिस देखने को मिल जाती है, साइड में मजबूत प्लास्टिक दिया गया है। तो ये हटा दिया मैंने। अच्छा इसके अंदर देखो यार, यहाँ पर इसकी मोटर है, यहाँ पर इसका 80 एम्प का ESC है, कम्प्लीटली मेटल का दिया हुआ है और शॉक एब्जॉर्बर की तो यार क्या ही तारीफ करूं। तो ये हमारी JLB चीता 21101, इसका बम्पर देख लो यार कितना ज्यादा सॉलिड है। आज तक ये कार ने यार बहुत सारी रेसेस को जीता है, फिर भी देखो यार इसका बम्पर जैसे का तैसा है। अब थोड़ा थोड़ा जो है गाइस देखो इसकी बॉडी टूटने लगी है। आने वाले दिनों में मैं इसकी बॉडी चेंज करके इसको पूरा तरीके से अपग्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पर इसके व्हील्स थोड़े से अभी कटने लगे हैं। तो भी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात करूं तो गाइस दोनों के बीच में देखो यार व्हील्स का थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। इसके व्हील्स मेरे को काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा स्पॉइलर इसके अंदर देखने को मिलता है। व्हीली बार के पास दो दो व्हील्स दिए गए, इसके अंदर स्पॉइलर तो भाई दिया ही नहीं गया। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा इसके व्हील्स पूरी तरीके से फट गए थे, मैंने इसके भी व्हील्स चेंज कर दिए। देखो यार अब एकदम तगड़ी नजर आ रही है E9.5 RC कार। चलो गाइस अभी कराते इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन सी कार जीतती है। लेट्स गो। सबसे पहले JLB चीता एक्सट्रीम को टेस्ट करके देखते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या था यार, ये कार तो बैक फ्लिप करने लग रही है। मैंने आज तक कोई भी इतनी भारी भरकम कार नहीं देखी है जो कि खड़े खड़े बैक फ्लिप करती हो। कार्स को बैक फ्लिप कराने के लिए रैंप जंप कराना पड़ता है। ये कार देखो यार ऐसे ही बैक फ्लिप मार रही है। ओ माय गॉड, इससे पता चलता है कि गाइस ये कार कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर स्पॉइलर नहीं होने के कारण ये कार पूरी तरीके से हवा में उड़ रही है। बाकी ब्रेक्स वगैरह एकदम परफेक्ट दिए गए। इसको चलाने में आज बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब E9.5 को टच करके देखते हैं। इसके ऊपर ये व्हील्स बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। अब इसकी रोड टेस्टिंग करके देखते हैं। कार बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल होती है और ये कार एकदम रोड से चिपक के चलती है गाइस, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। ये कार को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है। अब JLB चीता को टच करके देखते हैं गाइस। ये JLB चीता एकदम कमाल किया, इतनी ज्यादा पुरानी होने के बावजूद आज भी देखो यार इसके अंदर वही पुराना वाला दम मौजूद है।
अब रेस कराते हैं ये दो जेएलपी चीता के बीच में, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन सी कार आज जीतती है। यहाँ पे जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दबाया, जेएलपी चीता एक्सट्रीम बैक फ्लिप मार के आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रही है और ये आगे निकल भी गई है। फर्स्ट राउंड में भी ये जीत चुकी है और सेकंड राउंड में भी जीत चुकी है। थर्ड राउंड आते आते यहाँ पे पूरी तरीके से गेम चेंज हो चुका है, जेएलपी चीता आगे निकल गई है और जेएलपी चीता एक्सट्रीम फोर्थ राउंड में वापस से जीत चुकी है। पर इसको ज्यादा स्पीड चलाने के चक्कर में देखो यहाँ पे मैंने झाड़ियों में इसको क्रैश करा दिया। इसी बात का फायदा उठाकर जेएलपी चीता अब दो राउंड आराम से जीत चुकी है। आप देखते हैं गाइस ये वाला राउंड कौन जीता है। क्लियरली आप देख सकते हो जेएलपी चीता एक्सट्रीम बार बार यहाँ पे जीतने लगी है। मेरे को लगता है गाइस अब ये जेएलपी चीता इसके सामने नहीं टिक पाएगी। कारण मैं आपको बताता हूँ, इसके व्हील्स यहाँ से लूज होने लगे हैं और इसके ऊपर धीरे धीरे करके ग्रिप भी खत्म होने लगी है। वहीं ये नई वाली जेएलपी चीता के व्हील्स एक बार कितने ज्यादा चमचमा रहे हैं और इसके ऊपर ग्रिप भी काफी ज्यादा तगड़ी है। आप देखते हैं क्या जेएलपी चीता एक्सट्रीम E9.5 को भी रेस में हरा पाती है, क्योंकि E9.5 हाई स्पीड में भी बहुत स्टेबल तरीके से चल सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हाई स्पीड में E9.5 आगे निकल गई है, वहीं दूसरी तरफ जेएलपी चीता झाड़ियों के अंदर आके क्रैश हो गई थी। यार बहुत ही खतरनाक वाला क्रैश था, देखो इसने कितनी ढेर सारी झाड़ियों को तोड़ के रख दिया, फिर भी ये कार बहुत परफेक्ट तरीके से चल रही है। थर्ड राउंड आते आते देखो और वापस से यहाँ पे E9.5 जीत चुकी थी, अब यहाँ पे वापस से गाइस जेएलपी चीता एक्सट्रीम जीत चुकी है। अब यहाँ पे बार बार जेएलपी चीता एक्सट्रीम आगे निकल रही है। क्लियरली यहाँ पे जेएलपी चीता एक्सट्रीम में हरा दिया है E9.5 RC कार को। आप जेएलपी चीता एक्सट्रीम की ऑफ रोड में मैं रेस कराने वाला हूँ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ये कार तो ऑफ रोड में भी पलटियां मारने लग रही है गाइस। ऑफ रोड में तो भाई इसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा तगड़ी है, क्योंकि इसके अंदर ट्रैक्टर वाले व्हील्स लगे हुए। इसने तो यार चुटकी बजाते ही मॉन्स्टर कार को हरा दिया है रेस में। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं ये दोनों जेएलपी चीता के बीच में। जेएलपी चीता ने एक्सट्रीम को उठा के फेंकने की कोशिश की है, पर एक्सट्रीम यहाँ से बच के निकल गई है, उनके बीच में टाई हो चुका है। अब कराते हैं गाइस टग ऑफ वॉर, देखते हैं अब कौन जीतता है। अब पता चलेगा दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के अंदर पावर उतनी ही लग रही है गाइस, देखो दोनों कार पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को खींचने के लिए। उतने में ही यहाँ पे खतरनाक सा कांड हो चुका है। जेएलपी चीता एक्सट्रीम का पीछे का टायर फट गया यार, ज्यादा आरपीएम होने के कारण इसका फोम तक बाहर निकल के आ चुका है गाइस। यहाँ पे देखो अब मैं इसको चला रहा हूं तो ये कार पूरी तरीके से लंगड़ा चुकी है, अब ये किसी काम की है नहीं। इसका व्हील मेरे को चेंज करना पड़ेगा यार, ये व्हील्स मैं खरीद के लाया था जेएलपी चीता के लिए, अब मेरे को ये व्हील्स लगाने पड़ रहे हैं एक्सट्रीम के अंदर। पीछे के दोनों व्हील्स मैंने चेंज कर दिया है, सामने के वही रखे हैं मैंने जो जेएलपी चीता एक्सट्रीम के साथ मेरे को मिले थे। तो वापस से टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं ये व्हील्स का परफॉर्मेंस कैसा है। ये व्हील्स लगाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आराम से जेएलपी चीता को खींच के लेके जा रही है, क्योंकि इन व्हील्स के ऊपर ग्रिप ज्यादा दी गई है। इस वजह से मेरे को लग रहा है जेएलपी चीता एक्सट्रीम यहाँ पे आराम से जीत चुकी है। इसके ऊपर मिट्टी देखो यार कितनी आके गिरी है, यहाँ पे गीली मिट्टी होने के बावजूद भी आज भाई मजा आ गया दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर करा के। क्लियरली ये जो व्हील्स है ना यार मेरे को बहुत ज्यादा गजब के लग रहे हैं। अब ये दोनों कार्स के बीच में फाइट कराते हैं गाइस। मेरे को लगा था कि E9.5 आराम से जेएलपी चीता एक्सट्रीम को उठा के फेंक देगी, क्योंकि इसका सामने का डिजाइन बहुत ज्यादा स्लीक है, पर E9.5 बच के निकल गई यार, दोनों के बीच में टाई हो गया। ठीक है अब टग ऑफ वॉर कराते हैं, यहाँ पे पता चलेगा दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों ने पूरी तरीके से यहाँ पे गड्ढे खोद के रख दिए हैं। अब जेएलपी चीता एक्सट्रीम पूरी कोशिश कर रही है E9.5 को अपनी तरफ खींचने के लिए। E9.5 पूरी तरीके से जमी हुई है, E9.5 भी बहुत ज्यादा पावरफुल आरसी कार है, पर जेएलपी चीता एक्सट्रीम इसको धीरे धीरे खींच के लेके जा रही थी, पर E9.5 ने इसको जैसे तैसे करके रोक रखा है। यहाँ पे दोनों के बीच में टाई हो गया है सरप्राइजिंगली। अब मैं वाटर प्रूफ टेस्ट करने वाला हूँ, सबसे पहले जेएलपी चीता एक्सट्रीम को पानी के अंदर चला के देखते हैं। यहाँ से मैं इसको हाई स्पीड में निकालने की कोशिश कर रहा था, पर इसका पीछे का व्हील देखो यार किस तरह से फड़फड़ाने लगा है। ओ माय गॉड ये कार तो पानी के अंदर ही क्रैश हो गई यार हाई स्पीड चलने के चक्कर में। अब एक काम करते हैं जेएलपी चीता को चलाते हैं, अब इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा धीरे चलाऊंगा, उसके बाद इसको भी हाई स्पीड में निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ बहुत ज्यादा है। ये कार तो भाई बहुत आसानी से निकल चुकी है पानी के अंदर से। अब देखते हैं E9.5 क्या करती है। ये कार तो पूरी की पूरी पानी के अंदर डूब गई थी, फिर भी देखो यार ये कार यहाँ से आराम से निकल चुकी है। अब एक काम करते हैं जेएलपी चीता एक्सट्रीम को भी पहले थोड़ा सा स्लो चलाऊंगा, उसके बाद हाई स्पीड में निकालने की कोशिश करूंगा। ये देखो यार बड़ी आराम से निकल रही है गाइस, क्योंकि इसके अंदर सामने की तरफ ट्रैक्टर वाले व्हील्स है, पीछे की तरफ एक्सट्रीम ऑफ रोड वाले व्हील्स लगे हुए। ये कार भी पानी के अंदर से निकल चुकी है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये दोनों जेएलपी चीता में से कौन सी जेएलपी चीता अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है महेश, दीपक, आदि, नाहिद, ध्यान, जीशान, तन्मय, शिवा, हिमांशु, राजेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।